सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु बोलने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2021 की केंद्रीय बजट में 2020-21 के साथ रेल बजट पेश किया था। रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे का एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, रेलवे बोर्ड के जरिए नीतियों का निर्माण करता है और भारतीय रेलवे सरकार की एक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है। 2020-21-22 के लिए रेलवे का राजस्व 2,17,460 करोड़ रुपयों का अनुमानित किया गया था, जिसमें 2019-20 की तुलना में 12% की आर्थिक वृद्धि है। भारतीय रेल हमारे राष्ट्र की संरचनात्मक क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 2020-21 के राजकोष में रेलवे की अपेक्षित कमाईयों को बाधित किया है, लेकिन खराब वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने महामारी से पहले से ही एनडीए सरकार में चली आ रही है। रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु समय समय पर कई उपाय किए गए हैं। अफसर परिचालन अनुपात को रेलवे में हो रहे घाटे के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। यह कारक रेलवे के लगभग सभी जोनों में व्याप्त है। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगभग सभी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में रेलवे के सभी जोनों में संचालन संबंधी घाटों में 36,000 करोड़ रुपयों की कमी हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि पहले जब रेलवे बजट पेश होता था, दोनों सदनों में सभी सांसदों को एक रुचि रहती थी कि रेल मंत्री जब रेल बजट पेश करता है तो रेलवे के संदर्भ में सांसदों को भी ऐसा लगता था कि हमारे चुनाव क्षेत्र में, हमारे स्टेट में कहीं नई गाड़ी आएगी, कोई नई गाड़ी चलाई जाएगी, कोई नया रेलवे प्रोजेक्ट आ जाएगा। पिछली गवर्नमेंटों में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उसके अंदर कुछ बजट के अंदर ज़्यादा पैसा आवंटित किया होगा, ऐसी बहुत सी ख्वाहिश माननीय सांसदगणों को रहती थी। लेकिन मेरे को अभी लगता है, मैं भी एक पूर्व रेल राज्य मंत्री रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री की जो चार्म था, रेलवे मिनिस्ट्री की जो इज्जत थी, वो आज मैं देख नहीं रहा हूँ। और जो भी सांसदों की डिमांड, वो डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि हमारे देश की आर्थिक विकास और प्रगति में भारतीय रेल की महत्वपूर्ण भूमिका तो रही है, चाहे कृषि उत्पादक हो को दूर दराज के स्थानों तक ले जाना हो, औद्योगिक विकास में सहायता देनी हो, या प्रमुख बंदरगाहों को अरस परस जोड़ना हो। भारतीय रेल हमारे देश की एक विभिन्न देश की विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच दूरी कम करने के सदैव मदद रूप रहा है। यातायात का अपेक्षाकृत सस्ता साधन होने के कारण तथा देश की एकता और अखंडता और सुदृढ़ करने में भी एक सहायक रहा है। प्राकृतिक आपदा जैसी सूखा, बाढ़ और अकाल, भूकंप आदि के समय लोगों के दुखों को कम करने में भी भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। महोदय, कोयला, पेट्रोलियम और आयरन जैसे भारी सामानों की ढुलाई हेतु रेलवे विशेष रूप से उपयोगी रही है। पिछले वर्षों में स्टीम इंजन से चलने वाले रेल इंजन अभी डीजल इंजन में और अब मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक इंजनों में
परिवर्तित हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप रेलगाड़ियां पहले के मुकाबले तेजी से चलने लगी और माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन में भी तेजी आई है। आज भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस कार्य के लिए इसके पास तकरीबन 1.3 मिलियन कर्मचारी लोग हैं। महोदय, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड के अधीन है और भारतीय रेल सेवाओं ऊपर उसका पूरा अधिकार है, परंतु पिछले सात वर्षों में भारतीय रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का विषय चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सेवाओं देने हेतु प्रशंसा का एक हकदार रहा है। वर्ष 1947 में आज़ादी के पश्चात भारत को एक पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई थी कुछ लाइनें की मरम्मत की जाए, कुछ लाइनों को बिछाई जाए ताकि देश के दूरदराज क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क को जोन में बदलने का निर्णय लिया गया था और उस वर्ष के दौरान 6 जोन अस्तित्व में आए थे। महोदय, इससे पूर्व रेलवे संबंधी उत्पादन देश के अंदर काफ़ी कम होता था, परंतु देश ने जैसे जैसे विकास किया रेल संबंधी उत्पादन भी देश के अंदर बढ़ने लगे। सितंबर 2003 में रेलवे प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में और माननीय सांसदों की मांगों को लेकर रेलवे जोन की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिसके बाद कई अन्य मौक़ों पर भी रेलवे जोन को बढ़ाने की जब बात आई तो उसके अंदर संख्या बढ़ाया गया और वर्तमान में देश के अंदर 17 जोन मौजूद है। मुझे आप आज सदन में यह उल्लेख करते हुए एक दुख भी हो रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे की उपलब्धियों की जगह उन्हें अभी बेचने का कार्य कर रही है और रेलवे में रोजगार के अवसर बंद कर रहे हैं। महोदय, केंद्र की सरकार दक्षिण पूर्व जोन के 4 डिवीजन में 3000 से अधिक पद और रेलवे के 16 जोन में 11000 से अधिक पद समाप्त करने जा रही है। रेलवे में आधी नियुक्तियां समाप्त करने जा रही है तथा हबीबगंज के बाद अभी जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी 75,000 करोड़ में ठेके पर देने की तैयारी हो रही है, जबकि देश की आज़ादी के पश्चात से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी तथा UPA 1 और UPA 2 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिन्होंने विश्वव्यापी मंदी के दौरान भी देश को आर्थिक संकट से बचाया था, ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और उससे मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी। महोदय सदन में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई और तभी रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुझे भी रेलवे में राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला था और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी केंद्र में रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे को मुनाफा में आगे ले जाने के लिए सहयोग दिया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 2007-08 में दाहोद इंदौर, वर्ष 2007-08 में छोटादीपुर धार और 1990-91 में बिल्ली वीरमगाम सामद्री, वर्ष 2011-12 में मियागाम करजन डभोई और 2011-12 में वीरमगाम सामख्याली, 2013-14 में वटवा अहमदाबाद, वर्ष 2008-09 में अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर राजस्थान, 2012-13 में ढसा जैतलसर और 2012-13 में अहमदाबाद बोटाद और इसी तरह से देश के अन्य जोनों में भी रेल जोनों में भी 7 साल पहले रेलवे प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया और इनके लिए तत्कालीन केंद्रीय सरकारों ने धन का आवंटित करने का पूरा प्रोसेस कोशिश किया था।
इसी स्थिति में सरकार ने, केंद्र सरकार ने माननीय रेल मंत्री का लोकसभा में इसी संदर्भ में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मंत्री जी का लोकसभा में तारीख 10 मार्च प्रश्न संख्या 224 के दौरान यह वक्तव्य देना कि इस बात को सदन को बताते हुए बड़ा खेद मेरे को हो रहा है, दुख लगता है कि पिछली सरकारों ने 2014 से पहले अनाप शनाप घोषणाएं, योजनाओं की घोषणाएं की थी, योजनाओं के बारे में लोगों को भ्रमित किया, बिना कोई आवंटन, बिना कोई पैसा की उपलब्धता, बिना निवेश होने के कारण सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट किया था। ये जो बात मंत्री जी अभी 10 तारीख को लोकसभा के प्रश्नकाल के दरमियान बताया, ये मेरे को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि इतनी सरकारें गई और इतने प्रोजेक्ट गए, इतने प्रोजेक्ट बनाए, तब अपनी रेलवे चली, और आप लोग इसमें अभी सभी स्टेट के अंदर सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों को ये बताते हैं कि भाई भारत सरकार ने रेलवे का काम, इतना नेटवर्क बिछाया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग 7 वर्ष पहले रेलवे ने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, इन 7 वर्षों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि रेलवे ने सारी उपलब्धियाँ केवल 7 वर्षों के अंदर ही प्राप्त किया है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध भी है कि यह इस तरह के भ्रमित करने वाले व्यक्ति को देखकर सदन को गुमराह न करे और तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं तथा जिनके कार्य आज बीच में रुके पड़े हैं और इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है, तो इन सभी रेलवे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर धन का आवंटित करें और उन्हें पूरा करने में सहयोग दें। महोदय, मुझे यह कहना भी जरा भी संकोच नहीं है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर इसके प्राइवेटाइजेशन ऊपर जोर दिया जा रहा है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को संचालन करने के लिए निजीकरण का सुझाव दिया है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार नेतृत्व में नीति आयोग अब ऐसी व्यापक योजनाओं ऊपर कार्य कर रहा है जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के नहीं बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर को रेलवे की प्रॉपर्टी बेचकर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे इन्हें निजी लाभ पहुंचाया जा सके। महोदय, 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट तेजस ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरुआत हुई थी, जिसमें रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम बताया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि यदि रेलवे पूरी तरह से सरकार के पास ही रहती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह प्रॉफिट की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, परंतु रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है और उन्हें जिस क्षेत्र में प्रॉफिट नहीं होता है वे वहां कार्य बंद करके छोड़ देते हैं। दूसरे, रेलवे में प्रॉफिट कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि करो, और यदि ऐसा है तो उसका सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों के ऊपर और मध्यम गरीब यात्रियों के ऊपर पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल हमने पिछले 15 दिन के अंदर सुना था कि रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट जो 5 रुपया था उसका सीधा 10 रुपया 30 रुपया कर दिया एक पैसेंजर का, खाली प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, छोड़ने के लिए, लेने के लिए। तो ये आम आदमी को बहुत परेशानी करता है। महोदय, प्राइवेट सेक्टर अपने व्यवहार में कुछ अलग ही होते हैं तथा उनकी नागरिकों के प्रति जवाबदेही में कमी पाई जाती है, इसलिए यह सोचने की बात है कि जहां पर आज की तारीख में रेलवे का एक पूरा नेटवर्क मंडल जोन से लेकर मंत्रालय स्तर तक काम कर रहा है,
और सभी की एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में भी क्या यह नेटवर्क कायम रहेगा और देश के नागरिकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकेगा? महोदय, यह देश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दे दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित किया गया है। रेलवे के मुताबिक उसका मकसद भारतीय रेलवे में नई तकनीकी विकास करना है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके अलावा रेलवे का दावा है कि इससे नई नौकरियां के अवसर भी पैदा होंगे। महोदय, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर में एक नया नारा काफी जोरों शोरों से प्रचलित है कि सबका साथ सबका विकास। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी संपत्ति को बेचकर या उसे प्राइवेट सेक्टर में देकर सबका साथ सबका विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सरकारी संपत्ति को आने पौने दोने में बेचकर सबका साथ सबका विकास न करके देश के गरीबों का विनाश जैसा लग रहा है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है प्राइवेटाइजेशन अधिक भ्रष्टाचार, अधिक कानून, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं पैदा करेगा और मूल रूप से ये गरीब यात्री अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए केंद्र सरकार को प्राइवेटाइजेशन से दूर रहना चाहिए, ऐसा ये मेरा सुझाव है। लेकिन यह चिंता का विषय भी है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन पर झुकी है, उसने न केवल देश का आम नागरिक को परेशान होगा बल्कि गरीब, दलित, आदिवासी समुदाय के लोग और जिन्हें नौकरियों में आरक्षण, जो उसमें से आरक्षण और रिजर्वेशन जो मिलता था वो भी चला जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा, जिससे उनके परिवार बेकार होंगे और उसकी हालत भी खराब हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन होने पर इन परिवारों की नौकरी बरकरार रखने हेतु कोई कदम उठाएंगे, तथा कॉरपोरेट कंपनियों के एग्रीमेंट के साथ क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान किया गया है कि उनकी सेवाएं संतोषजनक न होने पर आगे चलकर जब केंद्र में गैर भाजपा सरकार बने तो वह उनके साथ किए गए एग्रीमेंट को आसानी से उन्हें दी गई रेलवे सेवा व प्रॉपर्टी को वापस ली सकेगी? महोदय, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि पिछले वर्षों में रेल दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हुई। यही सही है कि अभी माननीय सदस्य ने बोल रहा था कि दुर्घटना बहुत कम हुई। लॉकडाउन के कारण से एक साल से सभी गाड़ियां बंद कर दिया था, तो एक्सीडेंट होने का मतलब ही नहीं है। गाड़ियां ही नहीं चली तो एक्सीडेंट कहां से होगा? तो ये यह सही है कि दुर्घटनाओं के अधिकतम दुर्घटना मानवीय भूल से होता है, उसका कारण है रेलवे में हजारों चालकों की, टेक्नीशियनों की, कर्मचारियों की कमी है, और ये जिससे यात्री एवं कर्मचारियों की सेफ्टी का प्रश्न उठता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के कारण जो रेलगाड़ियाँ बंद की गई है उन्हें कब तक चालू करेंगे और चालू करने का विचार है क्या? तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC और हाई स्पीड कॉरिडोर पैसेंजर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम देश के अंदर किन किन स्थानों पर चल रहा है और वहाँ कार्य प्रोजेक्ट वार कब तक पूरा होगा और कितना बजट का आवंटित उसमें किया है वो बताने की कृपा करें। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए और मंत्रालय के चालकों सहित अन्य रिक्तों की पदों जो खाली है वो तुरंत भरने के हेतु आवश्यक कदम उठाए और यह भी सुनिश्चित करें कि रेल चालकों के अन्य कामों में न लगाकर केवल उनके लिए निर्धारित चालक के कार्य में ही लगाया जाए। और इसी तरह जो भी रेलवे के अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जो ट्रेन बंद हो गई है वो ट्रेनों की दोबारा चालू करने के लिए, जहाँ कोरोना नहीं है, ये बहुत गरीब क्षेत्र से जो जो ट्रेनें चलती थी वो ट्रेन
नौकरियात लोगों के लिए, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए, कोई कार्ड कचेरी में जाने के लिए, सभी ये रूट बंद कर दिया है। तो उसको खोलने के लिए दो मिनट रह गए। उसको खोलने के लिए हम आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थानों पर ट्रेनों को चालू किया जाए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता मैडम सर। ये बजट को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60 साल का जतन, यानी 60 वर्ष 60 साल का जतन और 7 साल में पतन, इसे कहते हैं शीघ्र ही पतन। जीएसटी से उद्योग धंधा खत्म, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खत्म, बेरोजगारी से युवा का भविष्य खत्म, कर्ज से डूबे खेडूतों खत्म, सरकारी खजाना खत्म, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म, लोकतंत्र खत्म, SC ST OBC नौकरियां खत्म, अनप्लैंड लॉकडाउन से ये पूरा देश खत्म हो रहा है, पूरी रेल मंडल खत्म हो रही है। इतनी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद ऑनरेबल मेंबर। आफ्टर दिस वी हैव पी विल